हेलो हाय गाइस एवरीवन, सब लोग कैसे हो। आज अपने पास में कि वन प्लस का फ़ोन है, और वन प्लस का फ़िलहाल में जो ये रेंज है वो सबसे ऊँची रेंज है, 11R है। अभी इसके ऊपर से भी फ़िलहाल कोई फ़ोन आया नहीं है, और वही रेंज का अपने पास में आज फ़ोन है। इसका पूरा पूरा अपने अनबॉक्सिंग करेंगे और फ़ोन को देखेंगे फ़ोन कैसा है, बट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लुक से, डिजाइन से, प्राइस से, और चार सारे उसके जो फीचर है उसको अंदर अपने पूरा मेंशन करेंगे, पूरा पूरा रिव्यू देंगे। जब तक मेरे वीडियो के आप एक अंत तक बने रहना, और वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब जरूर करना। फ़ोन बहुत बड़ा जोरदार है, उसकी कुछ एसेसरीज है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके पहले इसके क्या MRP है, किस तरह का बॉक्स आता है, वो भी सारा सारा अपने देखेंगे। ये ब्लैक कलर के अंदर है, उसमें दो कलर आते हैं और एक कलर आता है, और ये ब्लैक कलर के अंदर 11R है, और 11R में दो वेरियंट है, एक 12/256 GB है, एक 8/128 है। तो ये वेरियंट अपने पास में वन प्लस का 8/128 है। ये 46,000 रुपये का आता है, एक 45 का आता है, एक 40 का आता है, 46,000 और 45,000 रुपये का, दोनों अलग अलग प्राइस में है। और ये 45,000 का नहीं है, 46,000 रुपये का है, फ़र्क सिर्फ GB में है, बाकी सारा सारा सेम है। फिलहाल एक फ़ोन ने एक न्यू अपडेट दिया, आप सबको पता ही होगा। जैसे आप सेटिंग जाओगे, सेटिंग जाके खोलोगे, जैसे स्टार्टिंग से मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने ये सेटिंग उठाया, यहाँ से लिखा और सीधे आप फ़ोन के अंदर अबाउट फ़ोन डिवाइस खोल दिया, तो ये OS ऑक्सीजन OS करके आता है, और एंड्रॉयड 13 है, और डिवाइस नेम है वन प्लस 11R 5G और 128 GB, और मॉडल नंबर ये CPS2487, और प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 फर्स्ट जनरेशन वन मोबाइल ऑफ प्लेटफॉर्म। सबसे ऊपर स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर आता है वो उसमें दिया है। 5000 mAh की बैटरी है, 8 GB RAM है, 4 GB एक्सटर्न है, स्क्रीन साइज है वो 17.12 cm, और उसकी जो पीछे का मेन कैमरा 15 है, बाकी एक दो के हैं, और आगे सेल्फी 16 है, एंड्रॉयड 13 है। ये सारे अभी न्यू आए, जो अपडेट जो हुआ है, जो 13 अपडेटिंग आया है, उसके अंदर ये सारे सारे फीचर्स नया है। अब फ़ोन कितना एकदम बहुत ज़ोरदार है लुक से, और ये कर्व डिस्प्ले में, अब कर्व डिस्प्ले में 46,000 रुपये का साइज से और ज़ोरदार है, और आगे का जो सेल्फी कैमरा है वो भी एकदम ज़ोरदार। इसके ऊपर मैंने एक मैट ग्लास डाला है, ये जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर ही मैट है, इसके बहुत फिनिशिंग बहुत ज़ोरदार रहती है, इसके लिए मैंने इसके ऊपर एक मैट ग्लास भी डाला है। कैमरा क्लैरिटी से और लुक से और डिज़ाइन से, और जो पीछे का जो कैमरा की जो डिज़ाइन है वो एक हट के बनाई, देखो आप यहाँ से बता। और यहाँ पे आपको एक वन प्लस की ब्रांड देखने को मिल रही है, और ये ऑन ऑफ का है, ये जैसे ऑन ऑफ हुआ, और यहाँ पे जो साइड में है वो फिंगरप्रिंट का है, ये देखो वाइब्रेशन हो गया, साइलेंट हो गया, कौन से उसमें 2-3 मोड होंगे जिसमें ये मोडों में फ़ोन रहता है। और बहुत अच्छा फ़ोन है ये, क्योंकि जो प्राइस दिए उसके अनुसार बहुत बड़ा ज़बरदस्त और ज़ोरदार है। यहाँ पे जो स्पीकर का है, और अब यहाँ पे आपको ये टाइप सी चार्जर देखने को मिल रहा है, ये स्पीकर का है, यहाँ दो सिम कार्ड का उसके अंदर लगता है, ये ऑन ऑफ का है, और दो जो ये प्लस माइनस का है, और यहाँ पे आपको एक वन प्लस की ये ब्रांड देखने को मिल रही है। अब इस फ़ोन में क्या क्या, पहले इसके आपको एक बार में एसेसरीज क्या क्या आती है उसके बारे में भी आपको नज़र डलवा देता हूँ। उसके अंदर ये फ़ोन के अंदर मेन चीज़ें 100 वोल्ट का फास्ट चार्जर आता है, फ़ोन एकदम फटाफट हो जाएगा, और बहुत वजनदार दमदार चार्जर है जो इसके अंदर ये 100 वोल्ट का फास्ट चार्जर आता है, ये देखिए। उसके अंदर एक ही आता है जो 150 भी आता है, जो वो जिसके अंदर फीचर कुछ अलग है, और यहाँ पे आपको ये जो टाइप सी चार्जर देखने को मिलती है। रेट कितना भी फ़ोन बड़ा हो, परंतु उसकी जो टाइप सी आती है वो ये इसी तरह का आती है। यहाँ पे आपको ये बॉक्स है, देखो बॉक्स के डिज़ाइन किस तरह, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा वन प्लस इलेवन आर फाइव जी, इस तरह का बॉक्स है, और यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है 11R, और उसके पीछे क्या लिखा आएगा वो भी मैं आपको एक पूरा पूरा दिखा देता हूँ। जो बॉक्स के जो पीछे आता है, ये साइड से आप बॉक्स देखोगे तो यहाँ 11R लिखा आएगा, यहाँ पे भी 11R लिखा आएगा, और यहाँ पे कुछ आएगा कलर है तो सोनिक्स ब्लैक करके लिखा हुआ मोबाइल नाम है। लॉन्चिंग फिलहाल का न्यू का, ज़्यादा कोई पुराना है नहीं है, और फ़ोन बहुत ज़ोरदार 8GB 128GB वेरियंट में है, और लिखा हुआ है ओप्पो प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये फिलहाल ओप्पो ही उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो ये ओप्पो का ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। और लुक से डिज़ाइन से भी फ़ोन बहुत बड़ा जोरदार है। अब इसके अंदर क्या क्या फीचर है उसके बारे में भी मैं आपको एक बार नॉर्मली आपको बता देता हूँ। एंड्रॉयड 13 है, स्नैपड्रैगन उसके अंदर प्रोसेसर आता है 8 प्लस फर्स्ट जनरेशन का, सबसे ऊंचा जो स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर है वो इसके अंदर है, 8th जनरेशन फर्स्ट आता है वो, और कर्व डिस्प्ले से कितना शानदार फ़ोन है, एकदम पूरी कर्व है इसके अंदर, और 8GB 128GB है, और 4GB एक्सटर्न है, 8/4 12GB हो जाएगा ये, और 128GB वेरिएंट है। उसकी जो साइज़ है स्क्रीन की वो 6.7 इंच की है,
और सुपर फुल एमोलेड डिस्प्ले आती है, जो इसके इन डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट आएगा और सुपर एमोलेड इसके अंदर डिस्प्ले आएगी। बहुत बड़ी जोरदार डिस्प्ले है, क्योंकि जो ये डिस्प्ले में ही फिंगरप्रिंट आ जाएगा। और 46,000 रुपये की रेंज का फ़ोन है, तो सुपर एमोलेड तो होनी बहुत बड़ी एकदम कंपलसरी है। और जो इसकी PPI है, जो कैमरा क्वालिटी है, वो 451 जोरदार है। जो कैमरा क्वालिटी में ये फ़ोन लोगे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए तो बहुत जोरदार रहेगा। और 120 GHz की उसकी जो स्पीड है चलने की डिस्प्ले की उसको है। और मेन कैमरा उसके पीछे का 50 का है और बाकी उसके बाद 8 और 2 का है। फुल LED फ्लैश के साथ में 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है। और जो आगे का जो कैमरा सेल्फी है वो 16 का है और फुल HD में वो भी, और उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग 4K में नहीं है, वो 3 FPS के साथ में और 5000 mAh की बैटरी है। और सुपर वर्क करके चार्जर उसके आता है USB Type-C 100 वोल्ट का आएगा, जो एकदम फटाफट फ़ोन चार्ज भी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। जो 100 वोल्ट का दिया है, मतलब ये एकदम फ़ोन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग हो जाएगा तुरंत और फटाफट हो जाएगा। और बाकी फ़ोन 5G फ़ोन है, 11R है, लुक से डिज़ाइन से भी बहुत जोरदार है। जो प्राइस दी इसके अनुसार और ऊँचा मॉडल है और इतने प्राइस के अंदर फ़ोन जोरदार है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।